नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर बाराबंकी से। गुजरात प्रांत में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत के मामले में मायके पक्ष ने गुरुवार असंधरा पुलिस से शिकायत कर शव को पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। मृतका के भाई का आरोप है कि पति ने उसकी बहन की हत्या कर नाटकीय ढंग से आत्महत्या बता रहा है। यह मामला असंधरा थाना क्षेत्र के सिद्धौर चौकी के तहत नगर पंचायत सिद्धौर के पूरे मक्कावाड़ निवासी रामसागर पुत्र पुनवासी ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा है। उन्होंने बताया कि पुत्री रेनू 22 वर्ष की शादी उसने क्षेत्र के इटिहनपुरवा गांव निवासी पुन्नू पुत्र रामशंकर के साथ लगभग 2 वर्ष पूर्व की थी, जिसे उसकी पुत्री पति के साथ गुजरात के अहमदाबाद में साथ रह रही थी। ऐसे में मंगलवार को पुत्री की मौत की सूचना फोन पर दी गई, लेकिन शव गांव पहुंचने पर पुत्री की मौत संदिग्ध लगने से असंधरा पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के भाई संजय ने बताया कि मंगलवार को जीजा रामसागर के मालिक के द्वारा फोन पर बहन की मौत की सूचना मिली। इस मामले में मालिक के द्वारा मृतका के मायके पक्ष के परिजनों का फोटो की मांग की जा रही थी, लेकिन इनकार करने और बहन के शव फोटो मांगी गई। संजय ने बताया कि परिजनों की फोटो न देने पर बहन का अंतिम संस्कार अहमदाबाद में नहीं हो सका। उसका कहना है कि बहन 14 जनवरी को इटिहनपुरवा मजरे धनौली खास गांव से गुजरात के लिए पति पुन्नू के साथ गई थी। पति के द्वारा हत्या कर नाटकीय ढंग से आत्महत्या का रूप बताया जा रहा है। उसने बताया कि फोन पर मौत का कारण खेत में दवा डालने वाली कीटनाशक पीने से हुई है। इसी हत्या की आशंका को देखते हुए पुलिस से शिकायत की और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बाराबंकी से भक्तिमान पांडे की रिपोर्ट।